एक फरीसी के घर में दावत थी। यीशु मसीह बैठे हुए थे, उनके चेले बैठे हुए थे। एक औरत अंदर आई, उसे किसी ने नहीं बुलाया। वो औरत किसी से कुछ नहीं बोली, वो घर के मालिक से कुछ नहीं बोली, यीशु मसीह से भी कुछ नहीं बोली। चुपचाप आई और यीशु मसीह के पैरों के पास बैठ गई और अपने आंसुओं से उसके पैरों को धोने लगी। घर के मालिक ने यीशु मसीह के ऊपर शक किया कि अगर ये आदमी रास पास होता तो ये पहचान जाता कि ये औरत कौन है जो इसे छू रही है। तब प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा, मैं तेरे घर में आया, तूने मुझे पांव धोने के लिए पानी नहीं दिया, लेकिन इस औरत ने अपने आंसुओं से मेरे पैरों को धोया है, इसीलिए इसके गुनाह जो ज्यादा थे वो माफ हुए। मेरे प्रियो, हम कितने भी बड़े पापी क्यों ना, हमसे कितने भी बड़ी गुनाह क्यों ना हो जाए, दुनिया हमें माफ नहीं करेगी, लेकिन परमेश्वर हमें जरूर क्षमा करता है। दुनिया हमें एक बार, दो बार, तीन बार क्षमा कर सकती है, 10 बार क्षमा कर सकती है हमारे गलतियों पर, लेकिन परमेश्वर हमारे हजारों गलतियों को क्षमा करता है और हमें हर बार मौका देता है। आमीन।